वेलकम टू रन माई स्टोर्स। आप सभी का स्वागत है रन माई स्टोर में। तो आज मैं बताने वाला हूँ एक जो नया सॉफ्टवेयर आया है मार्केट में, वो है व्हाट्सएप बल्क सेंडर विथ कॉल टू एक्शन बटन। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली इसमें आप बल्क में मैसेजेस भेज सकते हो लेकिन बटन के साथ। जो आपकी एक प्रॉब्लम आ रही थी, आप किसी को लिंक भेजते थे वो लिंक ओपन नहीं हो पाती थी, इसकी वजह से काफ़ी लोग आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पहचान नहीं पाते थे, वो लिंक पे विजिट नहीं कर पाते थे। अगर आप यूट्यूब के भी लिंक भेजते थे तो वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हमारी वेबसाइट है जहाँ से आप बाय कर सकते हो। आज मैं ये सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ, सेंड बल्क व्हाट्सएप मैसेजेस विथ कॉल टू एक्शन बटन। सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में है, ज़्यादा अमाउंट नहीं है इसका। एंड अब इसको चलो देखते हैं कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉलेशन होता है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हम लोग फाइल दे देंगे। तो ये फाइल है व्हाट्सएप बटन, ओके। यहाँ पर आपको डबल क्लिक करनी होगी। ये फाइल मैं आपको जब दे दूंगा तो आप नॉर्मली जैसे डाउनलोड करते हैं वैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है स्टार्ट व्हाट्सएप, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक करने के बाद वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपका इंस्टॉलेशन अगर हो गया है ऑलरेडी तो वहाँ पर लाइसेंस की डालने का ऑप्शन नहीं आएगा, अदरवाइज वहाँ पर एक लाइसेंस की का ऑप्शन आ जाएगा। वो लाइसेंस की आपको हमें देना, हम उसको एक्टिवेट करके दे देंगे। अब यहाँ पर मेरा ऑलरेडी लाइसेंस की डाला है इसीलिए ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली ओपन हो गया। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर भी डाल सकते हो, एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन हो गया, ओके। अब ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले भेजना है बल्क मैसेज, तो आपको नंबर डालना है। तो आपको क्या करना है, फाइल ऑप्शन पे जाना है। फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको इंपोर्ट नंबर, इंपोर्ट मैसेज, ये सारे ऑप्शंस भी है। तो आप मैसेज वगैरह नंबर वगैरह भी डाल सकते हो एक साथ, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप इंपोर्ट नंबर डाल दिए। इंपोर्ट नंबर डालने के बाद आपको डायरेक्टली फाइल से भेजना है कि मैनुअल लेना है, तो आपने लिख दिया मैनुअल पे। मैनुअल पे जाने के बाद यहाँ पर नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो मेरी यहाँ पर एक एक्सेल फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो मैं ये एक्सेल फाइल डायरेक्टली कॉपी करूँगा यहाँ से नंबर, और ये सॉफ्टवेयर में मैं जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर दूँगा। इंपोर्ट करने से पहले यहाँ पर पूछेगा हैव यू एडेड कंट्री कोड, मैं यस करूँगा तो 91 ऑलरेडी लगा हुआ है तो लगाएगा, नो करूँगा तो 91 वो अगेन ऐड कर देगा, तो मैं इसको यस कर दूंगा। यस करने के बाद अभी आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गए। इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली मैसेज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको मैसेज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं अभी एक मैसेज भेज रहा हूँ तो दोबारा वही नंबर पे मैं मैसेज भेज रहा हूँ, तो मैं नॉर्मली भेज दूंगा कि प्लीज चेक आउट आवर डिटेल्स ऑफ ये मैंने मैसेज टाइप कर दिया आपके सामने। कॉपी पेस्ट भी कर सकता था बट मैं टाइप करना ज़्यादा पसंद किया आपके सामने। फिर यहाँ से आप कुछ इमेजेस ऐड करना चाहते हो तो इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हो। तो नॉर्मली जैसे मैंने अभी एक इमेज यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ। इमेज ऐड करने के बाद अगर आपको यहाँ पर कैप्शन देना है तो आप कैप्शन भी देख सकते हो। कैप्शन में आप नॉर्मली प्लीज चेक इमेज, मैंने ये नॉर्मली डाल दिया एंड मैंने ओके कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सेंड करना है। अब मैं सेंड, अब आप यहाँ पर फाइल, वीडियो, फोटो, इमेजेस सब कुछ डाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। मल्टीपल इमेजेस वगैरह भी आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेंड मैसेज पे। सेंड मैसेज में क्लिक करने का यस का ऑप्शन आएगा, इसको यस कर दिया। यहाँ पर अभी हम देखेंगे ऑप्शन है सेंड नाउ और लेटर, तो आपने सेंड नाउ पे क्लिक कर दिया। अगर आपको लेटर भेजना है तो बाद में शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ पर डेट और टाइमिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको बटन भेजना है तो ऐड बटन विथ मैसेज, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो आपको चाहिए थे इस सिस्टम में, वो आ गया है यहाँ पर। अब फोन नंबर बटन, तो ये कॉलर सिर्फ लिखा है, किसी किसी को पसंद नहीं होता। आपको लिखना होता है कि मुझे कॉल नाउ लिखना है, विजिट अस के जगह आपको लिखना होता है कि वेबसाइट विजिट, तो आप जो आपको समझ में आता है आप वहाँ पर लिंक का नाम
अब नंबर वाले ऑप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर देना है ताकि लोग वहां पर आपको कॉल कर सकें, और जहां पर लिंक है वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक ही डालना है। तो मेक श्योर करना है HTTPS डाल के ही आप यहां पर डालना। तो यहां पर मैं डाल देता हूं runmystores.com, हमारी ये वेबसाइट है जहां से आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। अगर आप मार्केट में नए हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, रीसेलर, तो आपको बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर स्विच आफ्टर मैसेज है। स्विच आफ्टर मैसेज मतलब कितने मैसेज के बाद ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाना चाहिए आपका नंबर एट द टाइम आप जो लगा रहे हो। तो मैं नॉर्मली लिख देता हूँ 999, क्योंकि लोगों के पास इतना ही होता है। आप 100 भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। एंड आपको सिंपली सेंड पर क्लिक कर देना है। सेंड पर क्लिक करते ही आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा व्हाट्सएप का, जो आपको स्कैन करना है। जैसे ही स्कैन कर देंगे वैसे ही आपका एक हार्डली 5 to 10 सेकेंड में आपके सारे मैसेजेस जो है वो जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, लिंक डिवाइस, व्हाट्सएप के जो 3 डॉट्स दिए होते हैं वहाँ पर लिंक डिवाइस ऑप्शन होता है। लिंक डिवाइस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये QR कोड सामने रख कर स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही वो व्हाट्सएप जो है ये सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली आपके जो मैसेजेस हैं वो कस्टमर्स को जाने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दोस्तों तब से ये कनेक्ट हो रहा है, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आपको जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट्सअप बटन ही पे, ये चैटबोट के लिए काम में आता है। सुपर बंडल पैक बनाया हुआ है, व्हाट्सअप बोट मास्टर सॉफ्टवेयर है, गूगल डेटा एक्सट्रैक्टर है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ई कॉमर्स प्लान है हमारे पास, एंड्रॉयड ऐप के प्लान है, यू नो, फेसबुक डेटा एक्सट्रैक्टर। उसके बाद फेसबुक के लीड्स डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कैसे आना चाहिए एंड कस्टमर को नोटिफिकेशन, वो सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर हमारे पास पड़े हुए हैं। अब ये दोस्तों कि मैं ज़्यादा ही कुछ वेबसाइट के बारे में बता दिया, तो अभी यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो सॉफ्टवेयर है वो मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था, ये यहाँ पर आपकी जो मैसेजेस हैं वो भेजना चालू कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मैसेज आपका जो है यहाँ से जाना जा रहा है। अभी हार्डली एक जन को गया है, तो ये कैसा है कि धीरे धीरे जाना स्टार्ट हो जाएगा सारे लोगों को। अब यहाँ पर देखिए पहला मैसेज चला गया है जो हम लोग ने मैसेज लगाया था। अब ये मैसेज में ओपन करके दिखाता हूँ कि बटन किस तरीके से ऐड होते हैं। तो इस तरीके से बटन्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। मैंने यही मैसेज डाला था, प्लीज़ चेक आउट आवर डिटेल्स ऑफ व्हाट्सअप बल्क सेंडर विद बटन। एंड यहाँ पर मैंने इमेज डाली थी, यहाँ पर कॉल टू एक्शन और यहाँ पर वेबसाइट विजिट। अब डायरेक्टली वेबसाइट विजिट पे क्लिक करेंगे तो ये गो कर देगा एंड ओपन हो जाएगा। ये पहले ही ऑप्शंस नहीं थे जिससे हम लोग, अब अगेन मेरी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गई है जहाँ से आप डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। इसी तरह आप भी अपने कस्टमर्स को कॉल का ऑप्शन, वेबसाइट का विजिट का ऑप्शन डाल के आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय।